आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज हम लेकर के आए हैं शिवरात्रि की व्रत की थाली। तो मैं आज क्या क्या बनाऊंगी, व्रत में हम क्या क्या खाते हैं जनरली, तो वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो देखिए, मैंने सारा चीज़ तैयार करके रखा है और मैं साबुदाने मतलब क्या क्या बनाने वाली हूँ व्रत में वो आप लोगों को दिखाती हूँ। हरी धनिया, हरा मिर्च, कड़ी पत्ता, लौकी और ये थोड़े से काजू बादाम और ये है मूंगफली, आलू उबले हुए और ये है मेरा भीगा हुआ साबुदाना। तो इन सब से मैं एक घंटे में कितने टाइम में ये सारी चीज़ें बना करके तैयार करती हूँ वो मैं आप लोगों को वीडियो के एंड में बताऊँगी। और ये जो है हमारी सिंघाड़े का आटा, दोस्तों ये है सिंघाड़े का आटा, तो इसकी हम पूड़ी बनाएंगे। तो आज चलिए चलते हैं, हम शुरू करते हैं अपना ये व्रत की थाली बनाना। सबसे पहले मैंने ये थोड़ा सी मिर्च बारीक काट करके रख लिए हैं, मतलब जितने सभी चीज़ों में थोड़े थोड़े तो लगेंगे तो मैंने इकट्ठे ही काट लिए हैं एकदम अच्छे से बारीक बारीक। मिर्च का, क्योंकि व्रत में मिर्च का तड़का और लाल मिर्च सूखी मिर्च कम ही यूज़ की जाती हैं दोस्तों, हम लोग कम यूज़ करते हैं जो सूखे मसाले होते हैं ना ज़्यादातर, और ज़्यादातर हरे मसाले ही ज़्यादा यूज़ करते हैं हम लोग। और धनिया भी मैंने बारीक काट ली है, कड़ी पत्ता है, पुदीना है, नींबू है, सब कुछ मेरे पास है, तो ये सब तैयार करके मैं रख लेती हूँ। और बारीक काट ली हूँ धनिया को, हरी मिर्च भी बारीक काट ली हैं। अब लौकी का ना मैं हलवा बनाने वाली दोस्तों, तो क्या करती हूँ इसको पहले छील करके और वॉश कर लूँगी, उसके बाद जो है ना ये देखिए अच्छे से हम इसको छील लेंगे और इसको ना कद्दूकस करना है। ये देखिए हमने अच्छे से धो करके छील लिए हैं और कद्दूकस करके कर लेती हूँ। तो इसको दोस्तों मैंने ना क्या करना है, इसका मेरी बहुत दिन की रखी हुई लौकी थी ना, तो क्या करना है इमिजिएटली जल्दी बनाना है ना, तो इसको मैंने बॉइल करने के लिए रख दिया था। और इधर साबुदाना बनाने लगी, इसमें हरी मिर्च कड़ी पत्ता से छौंक लगा दिया था, उसके बाद मैंने साबुदाना डाल दिया, उबले हुए आलू डाले थे। और वो वीडियो मेरी ना क्लिप जो है ना दोस्तों गलती से जो है मैं चालू नहीं कर पाई, इसीलिए मेरा लौकी का हलवा का भी रेसिपी शायद नहीं हो पाया है, और उसको मैं बाद में दिखाती हूँ आप लोगों को। तो इसमें वही डाल करके सेंधा नमक डाल दिया है, जो लोग खाते हैं वो डाल सकते हैं। और इसको एक बार ढक करके पका देंगे, ढक करके पकाने से क्या होगा ना वो अच्छे से ट्रांसपेरेंट होकर के अच्छे से फूल जाएगा हमारा साबुदाना, ये देखिए। और उसके बाद में थोड़ी देर बाद मैंने क्या किया था, भुना हुआ और पीस करके, कई लोग आधी कुटी हुई भी लेते हैं मूँगफली दाना, और या तो फिर पीस लीजिए आपको ज़्यादा कुटी हुई नहीं खानी है तो, मतलब तो पीस करके थोड़ा सा ऊपर से डाल देने से क्या होता है ना खिला खिला साबुदाना बनता है। तो वही मैंने डाल करके भी एक बार ढक के पका लिया, ऊपर से अच्छे से हरी धनिया डाल दी और बस 2 मिनट में, बिल्कुल 2 मिनट से भी कम समय में बन करके रेडी हो जाता है ये मेरा खिचड़ी, साबुदाना की खिचड़ी बन गई। ये देखिए बहुत मस्त एकदम सॉफ्ट सा बनता है, बिल्कुल गर्मा गर्म खाने में बहुत अच्छा लगता है, एकदम पेट भर जाता है। एक बार खा लीजिए ना चाय एक कप और फिर हमें बिल्कुल भूख नहीं लगती दिन भर, ये देखिए एकदम दबने लगता है ये साबुदाना, तो समझ लीजिए मेरा। और देखने में भी दिखता भी है ना ट्रांसपेरेंट सा दिखने लगता है, तो हमें समझ में आ जाता है कि ये अच्छे से हो गया है, नहीं तो थोड़ा सा और ढक करके पका दीजिए। अच्छे से भीगा हुआ होगा तो बहुत जल्दी खिला खिला बन जाता है। तो मेरा साबुदाना तो बन गया है, साबुदाने की खिचड़ी। और ये मैंने ले लिया है आटा इसको सिंघाड़े का, इसको मैं पूड़ी बनाऊंगी दोस्तों। इसमें एक आलू डाल दी हूँ मीडियम साइज़ का, ज़्यादा आलू नहीं डालेंगे क्योंकि फिर कढ़ाई में वो बिखरने लगेगा। और इसमें डाल दी हम सेंधा नमक, चाहिए तो आप लोग डाल लीजिए। इसमें हरी मिर्च भी बारीक कटी डाल के बहुत सारे लोग बनाते हैं, धनिया भी डाल लीजिए। ज़्यादा ही चटपटा बनाना है, खाली पूड़ी और चाय खानी है या आलू की सब्जी के साथ खानी है तो इसमें हरी धनिया, हरा मिर्च वगैरह भी डाल लें तो बहुत अच्छी लगती है नमकीन पूड़ी। लेकिन मेरे पास कई वैरायटी है तो मैंने सिंपल सी पूड़ी बनाई है, देखिए। और इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके हम अच्छे से गूंद लेंगे, एकदम सॉफ्ट सा आटा, जैसे गेहूं का आटा बनाते हैं ना वैसे ही आटा सान के तैयार कर लेंगे, मस्त से हो जाता है और बहुत अच्छी पूड़ी बनती है। तो ये जो सिंघाड़े की मैं पूड़ी बनाऊंगी, अगर मीठा खाना चाहते हैं लोग तो इसमें मीठा भी थोड़ा सा शक्कर ऐड कर लेना, जैसे शक्कर पारे बनाते हैं ना उस टाइप से भी बना सकते हैं इसको, तो भी बहुत अच्छा लगता है। सिंघाड़े की लपसी भी बहुत से लोग खाते हैं,
तो सिंगाड़े की बर्फी, लस्सी कुछ भी बनाते हैं लोग, बहुत सारे आइटम बनते हैं। ये देखिए हमारा एक साथ अच्छे से गूंद गया है, और मैंने मोमन वगैरह कुछ नहीं डाला है क्योंकि जो है ना वैसे ही ये सॉफ्ट बनेगा, बहुत अच्छा खाने में लगेगा। और इसका बहुत सॉफ्ट सा डो तैयार कर लिए हैं, और ये देखिए मस्त से मिला दे रहे हैं एक साथ एकदम बिल्कुल। ये देखिए नरम सा आटा सन गया, इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए रख दूंगी मैं ढक करके, और फिर दूसरा काम करती हूँ। जब तक ये रेस्ट करेगा तब तक मैं दूसरी रेसिपी बनाती हूँ। तो ये देखिए मैंने ढक के 2 मिनट के लिए रख दिया, जब तक ये मैं दूसरा काम करूँगी तब तक वो सेट हो जाएगा, और वड़े के साथ साथ में मैं पूड़ी और वड़े दोनों एक साथ निकाल लूँगी। तो मैंने इसमें थोड़ा सा डाल दिया रिफाइंड ऑयल, कढ़ाई अच्छे से गर्म हो जाए, तब ये देखिए तेल मेरा अच्छे से गर्म हो जाएगा। तो इसमें मैंने जो है थोड़ा सा हरी मिर्च और कड़ी पत्ते का छौंक लगाऊंगी इसमें अच्छे से तेल गर्म हो जाने पर। ये देखिए कड़ी पत्ता मैंने डाल दिया, और आलू टमाटर की सब्जी में ना कड़ी पत्ता, मतलब व्रत वाली में कड़ी पत्ता और जो है ना ज़्यादातर जीरा, बहुत सारे लोग जीरा का यूज़ करते हैं लेकिन मैंने नहीं डाला है। बहुत से लोग बिल्कुल मसालों का यूज़ नहीं करते व्रत में, तो मैं क्या करती हूँ, हम लोग के यहाँ ऐसे ही जनरली बनता है, हरी मिर्च और कड़ी पत्ते का तड़का लगा दूंगी। तो आलू टमाटर की सब्जी ग्रेवी वाली उबले आलू की बहुत अच्छी लगती है पूड़ियों वगैरह में। वैसे भी बहुत सारे लोग हमारे यहाँ बहुत आलू की ना ऐसे भी सब्जी बहुत पसंद करते हैं, जैसे गुरुवार वगैरह का व्रत होता है ना, और मतलब कोई सा व्रत होता है ना, तो मैं वैभव लक्ष्मी का व्रत रखती थी तब भी मैं बहुत बनाती थी ऐसे पूड़ी पूड़ी या पराठे के साथ में, तो बहुत अच्छा लगता है ये आलू टमाटर का सब्जी, स्पेशली उपवास में ही इसी तरीके से बनाते हैं। बढ़िया, तो ये अच्छे से भून जाएगा, तो फिर देखिए इसमें मैं आलू डाल दूंगी, आलू को भी अच्छे से भूनूंगी, अच्छे से मतलब अच्छे से थोड़ा सा लाल लाल हो जाएगा भूनेंगे। थोड़ा सा वो डाल दिया और डाल दिए मिर्च, हमको कम लग रहा था। सूखी जो पिसी हुई लाल मिर्च होती है ना, वो व्रत वगैरह में हम लोग डेली यूज वाले जो मसाले होते हैं ना वो हम यूज़ नहीं करते हैं, और पता नहीं बाकी और लोग करते हैं कि वैसे भी व्रत में जनरली नहीं यूज़ किया जाता। तो ये देखिए और पीस करके मैंने टमाटर, थोड़ी सी सब्जी बनानी तो मैंने एक टमाटर अच्छे से पीस लिया है, और इसमें थोड़ा सा नमक डाल दूँगी, सेंधा नमक उपवास वाला, मतलब व्रत में बहुत सारे कई लोग तो शिवरात्रि में मीठे से ही फलाहारी ही रहते हैं, और बहुत से लोग जो लोग कुछ ऐसे भी खाते हैं, फलाहारी चीज़ें ही खाते हैं बहुत से लोग, बहुत से सेंधा नमक की आइटम भी खाते हैं, तो जिसका जैसा अपना होता है ना। तो लेकिन मैंने सेंधे नमक से ही सारी चीज़ें बनाई है, और ये उबले आलू मैं डाल दूँगी अच्छे से। जब टमाटर पक गया ना, मेरा तेल छोड़ दिया था, तो मैं इसमें ये डाल दूँगी, थोड़ी सी ग्रेवी वाली बनाऊँगी। तो इसको सूखा भी खाने में ना नींबू डाल करके ऐसे भी खाएं ना, बहुत अच्छा लगता है। व्रत वाली चीज़ें ना अलग ही स्वाद आती हैं, जैसे हम जनरली ऐसे आलू बनाएंगे ना तो उतना स्वाद नहीं होता जैसे, और लेकिन ये व्रत वाली में जो आलू बनाते हैं ये कभी कभी ऐसे भी बनाने के लिए बच्चे बोलते हैं, लेकिन वो स्वाद नहीं आता पता नहीं क्यों। जब हम उपवास में बनाते हैं तो बिल्कुल अलग सा ही बनता है उसका टेस्ट। तो ये अच्छे से भून गया है, इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर दी हूँ, और इसको अच्छे से मतलब पकने दूंगी उबाल आने तक, 2-3 उबाल आएगा और मेरी सब्जी पक जाएगी। और इसमें देखिए हरा धनिया डाल दिए तो बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी, तो मेरा आलू टमाटर का सब्जी बनकर के रेडी हो गया है दोस्तों। इस सब्जी के साथ पराठा पूड़ी कुछ भी खाइए, बहुत अच्छा लगता है, नहीं तो ऐसे ही नींबू डाल के सब्जी खा लीजिए। और ये देखिए हरी चटनी बना रहे हैं हम, टमाटर डाल दिए हैं इसमें, थोड़ी धनिया डाल दिए हैं, नींबू डाल दिए हैं और हरी मिर्च डाल दिए हैं, थोड़ा सा अदरक डाल देते हैं, और ये ग्रीन चटनी मेरी बनेगी, इसका हम ग्रीन चटनी बना लेंगे। थोड़ा सा नमक ऐड कर दिए हैं, स्वाद व्रत वाला नमक, और उसको पीस लिए हैं। और ये जो साबूदाने का हम वड़ा बनाने जा रहे हैं, तो इसमें क्या किए हैं, आलू डाल दिए, हरी मिर्च, हरा धनिया और जो है ना नमक डाल दिए हैं, और थोड़ा सा ये देखिए सेंधा नमक डाल दिए हैं, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बढ़िया सूखा सूखा सा ये देखिए एकदम से अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और बढ़िया सूखा है ना, बढ़िया अच्छे से बड़े बनेंगे इसमें।
ये देखिए इसमें भुनी हुई पिसी हुई मेरी जो है ना मूंगफली रखी थी, जिस जो मैंने साबूदाना की खिचड़ी में डाला था वही इसमें भी ऐड कर लेंगे। इसको करने से दोस्तों बाइंडिंग इसकी बहुत अच्छी आती है, बड़े मेरे फैलते नहीं कढ़ाई में और मतलब अच्छे से बहुत फूल फूल के खिले खिले से बनते हैं बड़े। और बस हम बड़े बनाने लगे, देखिएगा हमारे बहुत अच्छे से फूले थे बड़े, एकदम सॉफ्ट बड़े बन करके रेडी होते हैं साबूदाने के बड़े। तो वैसे भी नाश्ते में भी बच्चों को बहुत पसंद आते हैं, व्रत वगैरह में तो ज़्यादातर बनते ही हैं। देखिए कितने अच्छे से मेरे बड़े बन रहे हैं। थोड़ा सा ये ज़्यादा गीला नहीं होना चाहिए और सूखा सूखा रहे ना तो बहुत अच्छा। आलू और ये सब हम मैश करेंगे ना नमक वमक, तो क्या होगा ना अच्छे से मिल जाता है और बड़े अच्छे से बन जाते हैं और बिखरते नहीं, बिल्कुल तेल में बिखरेंगे नहीं। ये देखिए मेरे बड़े कितने अच्छे से फ्राई हो रहे हैं और बहुत ही फूले थे अच्छे से फूल फूल के। इसमें और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं डाला है मैंने, सिर्फ आलू नमक और मूंगफली पिसी हुई और धनिया अपना, बस इतने से ही बहुत अच्छे बड़े तैयार हो जाते हैं। और इधर मेरी पूड़ी भी बन रही है, सेम जो सिंगाड़ा का आटा तैयार किया था उसकी ये पूड़ी है। देखिए कितनी मस्त लाल लाल बन करके तैयार हो गई। जब हमने खाई थी ना ये पूड़ी ऐसे ही, तो ऐसा लग रहा था दोस्तों कि जो है गुड़ डाला हो इसमें, इतनी टेस्टी लग रही थी। और मैंने कुछ भी गुड़ नहीं डाला है लेकिन खाने में ऐसे बहुत अच्छी लग रही थी, मतलब कुछ भी नहीं डालने पर गुड़ वगैरह भी डाल सकते हैं। मीठी पूड़ी बनानी है तो और भी अच्छी लगेगी। और देखिए मेरे बड़े भी बनते बनते जा रहे हैं और साथ में चार पूड़ियाँ भी मैं निकाल लूँगी एक साथ। और इसको ना बेलना चाहें तो बेल भी सकते हैं पत्थर लगा करके, या तेल लगा के पॉलीथीन में रख के अच्छी पतली पतली बेल सकते हैं। और मैंने तो ऐसी पो करके ही बना ली थी, ये भी बहुत अच्छी बनती है, बढ़िया फूल फूल के अच्छे से सिकती है। और हमारी से सिंगाड़े की पूड़ियाँ बड़े दोनों बन करके रेडी हो गए। देखिए मस्त से फूल फूल के बन रही है, खाने में बहुत सोंधापन आता है दोस्तों इस पूड़ी में। और पूड़ी और मेरे तो बड़े बन करके रेडी हो गए। अब थोड़ा सा मीठा सा रायता भी कुछ मीठा हो जाए। वैसे तो मैंने लौकी का हलवा बनाया है और हमारी गलती की वजह से वो क्लिप नहीं आ पाई, मुझे लगा चालू है लेकिन वो चालू नहीं हुई थी, तो उसके लिए सॉरी। लेकिन मैं उसको अभी उसका ही रेसिपी शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। तो मैंने क्या किया, मीठा रायता बना दिया, उसमें मैंने थोड़े से जो है ना मखाने डाल दिए, ड्राई फ्रूट वगैरह, मीठा रायता बनाऊंगी। और ये लस्सी की तैयारी हो रही है मेरी, इसमें दही डाल दिया मैंने, एक चम्मच शक्कर डाल दिया है और ज़रा सा दो तीन टुकड़ा ना मैं बाइट के चुकंदर बीट रूट के डाल दूंगी। फिर आप लोग देखिएगा इसका कलर कितना सुंदर आता है ना कि मैं क्या बताऊँ, नेचुरल कलर मैंने इसमें डाला है लस्सी में। और ये देखिए मेरी जो है ना मीठा मीठा रायता तैयार हो गया है, मखाने डाले हैं और इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल दूंगी। बहुत अच्छा लग रहा था ये खाने में और पेट को भी ठंडक रहेगा। ये देखिए हमारा जो है ना उसमें हम ना ड्राई फ्रूट सजा रहे हैं, थोड़ा सा डाल दें रायते में तो बहुत अच्छा लगता है खाने में। एक मीठा डिश ये भी हो गई। व्रत वगैरह में तो जनरली ऐसी ही सब चीज़ें खाई जाती है दोस्तों। मेरा रायता बिल्कुल रेडी हो रहा है और बहुत सुंदर लग रहा था बनने के बाद में ये। तो ये देखिए लगभग मेरी लगभग नहीं पूरी थाली मेरी रेडी हो गई है बन करके। और ये देखिए मेरा लस्सी, देखिए कितना अच्छा नेचुरल कलर आया है बिल्कुल। ये देखिए मैंने कोई अलग से कलर नहीं मिलाया, ना रूह अफजा डाला है, ये चुकंदर मैंने बीटरूट्स को जरा सा दो बाइट डाला था उसका ये कलर है। देखो कितना सुंदर कलर आया है ना मेरी लस्सी का। तो दोस्तों ये देखिए मेरे बन करके रेडी हो गई है जी जो व्रत है, आइए आप लोग खा लीजिए। दोस्तों आप लोगों को मेरी व्रत की थाली कैसी लग रही है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ हमारा सपोर्ट जरूर करिएगा। रेडी हो गई है, साबूदाने का वड़ा है, आलू टमाटर की सब्जी है और ये साबूदाना की खिचड़ी और ये लौकी का हलवा और ये फ्रूट्स है और ये हरी धनिया की चटनी और ये है सिंगाड़े की पूड़ी और रायता, ये जो है मखाने का रायता है दोस्तों और लस्सी मीठी मीठी लस्सी। और ये सभी चीज़ें एक घंटे में बनकर रेडी हो गई हैं। दोस्तों ये रही मेरी लौकी या दूधी जो बोला जाता है और बहुत जगह दूधी या लौकी भी से जानते हैं, तो ये उसका हलवा है दोस्तों। तो मैंने किस लिया था आप लोगों ने देखा था, उसके बाद मैंने बॉईल कर लिया इसको
और थोड़ा सा घी डाल करके फटाक से कढ़ाई में फ्राई कर लिया, और फ्राई करके इतने अच्छे से भून दिया, लाल लाल भून लिया। उसके ऊपर मैंने मावा डाल दिया था, चीनी डाल दी थी, और अच्छे से सूखने तक पका लिया। और बस हो गई मेरी रेडी, मावा वावा डाल करके 2 मिनट में बिल्कुल हलवा मेरा तैयार। ऊपर से मैंने ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल करके बिल्कुल तैयार हो गई मेरी, इस तरह से सॉरी मेरा लौकी का हलवा बन करके रेडी हुआ है दोस्तों। अब बहुत टेस्टी, बहुत ही टेस्टी, और 2 मिनट में बिल्कुल बन जाने वाला लौकी का हलवा है ये मेरा। तो दोस्तों ये देखिए कितना सुंदर दिख रहा है ना हमारा लौकी का हलवा, और यही सेम रेसिपी है इसका, और कोई मेथड नहीं लंबे तरीके। अगर दूध में पकाना चाहें तो दूध में पका लीजिए, लेकिन मेरे पास मावा था, मैंने फटाक से मावा डालकर 2 मिनट में रेडी कर लिया ये हलवा। देखिए हमारी व्रत की थाली तैयार हो गई है शिवरात्रि के लिए, शिवरात्रि व्रत की थाली। जो जो व्रत रहेंगे आप लोग ट्राई करिएगा, बहुत इजी रेसिपी है और जल्दी बन करके तैयार हो जाती घर की चीज़ों से। तो दोस्तों आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, यदि मेरी थाली अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और जो दोस्त मेरे इस वीडियो में नए आए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो बाय बाय दोस्तों, कल फिर मिलते हैं, और ये थाली ज़रूर आप लोग ट्राई करिएगा।